हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उनके लिए कहूँगा जो 10th और 12th में बेसिकली पढ़ रहे हैं अभी, दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत करनी है क्योंकि आने वाले समय में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो तुम मेहनत अभी से करोगे अपनी पढ़ाई के साथ साथ तो एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत आसानी होगी। चलिए, इतना ही था। मेहनत करते रहिए और अपने अंदर एक जिद बनाइए कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। दोस्तों, आप ये सोच रहे होगे कि हम 12th करके कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर टीचर पढ़ा देंगे तो और एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है क्योंकि टीचर का पढ़ाया हुआ कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आता है। दोस्तों, हर कोचिंग में टीचर यही कहते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए से कभी बाहर नहीं जाता है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देख लीजिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था, तो जितने भी स्टूडेंट्स कोचिंग्स पढ़ के वो एग्ज़ाम देने गए थे, तो आप अपने टीचर से पूछिए उस एग्ज़ाम में उनका बताया हुआ यानी कि उनके टीचर का बताया हुआ कितना आया था। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा 50% भी उनका बताया हुआ आया होगा। तो टीचर्स का पढ़ाया हुआ कभी नहीं आता है। अगर कोई भी अच्छा टीचर्स है तो उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के अंदर वो जिद पैदा करे पढ़ने की, यानी कि पढ़ने की लगन पैदा करे। बस स्टूडेंट्स खुद ही वो पढ़ लेगा जो टीचर सोच भी नहीं सकता है। चलिए, बस इतना ही काफ़ी है और बाकी कल की वीडियो में बात करेंगे, और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। OS पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है, और जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल की आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम साइंस से रिलेटेड, जो रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए थे। लोगों ने कहा काफ़ी टफ क्वेश्चन थे, मुझे भी लगा लेवल अच्छा खासा था, 10th लेवल से थोड़ा अप गया था लेवल, लेकिन देखेंगे साइंस के कैसे क्वेश्चन थे और आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं और आपकी तैयारी कहाँ पर है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों, ये पेपर है 15/11/2018 का, लेवल फर्स्ट का यानी कि ग्रुप डी की पोस्ट थी। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या होगा। अगर आपको पता है तो लोहा या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 9th और 10th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसको कहा जाता है गैल्वनीकरण। ठीक है, गैल्वनीकरण कहा जाता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा क्योंकि मैंने ग्रुप किया हुआ है PDF से जो भी साइंस के क्वेश्चन थे। चलिए, बताइएगा कि तेज़ गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर खींच लेता है। आपने अक्सर देखा होगा कि क्रिकेट का खिलाड़ी जब भी बॉल को पकड़ता है तो थोड़ा सा पीछे की ओर खींचता है अपने हाथों को, बताइए वो क्यों खींचता है। आपने ऑप्शनों को बखूबी पढ़ लिया होगा और आंसर भी दे दिया होगा। चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है इसीलिए वो अपने बाहों को पीछे की ओर खींच लेता है। चलिए, बहुत ही अच्छे से और मज़ा आ रहा होगा आई होप आपको। चलिए, बताइएगा कि इस क्वेश्चन में बताना है आपने, ये जो क्वेश्चन थोड़ा कट गया है दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग था तो नहीं हो पाया ग्रुप। देखिए, आपको ये जो दी गई हैं, ये आकृति दी गई हैं, ये क्या नहीं दर्शाती हैं, इसमें से चार ऑप्शन हैं आपके पास, इनमें से तीन अवस्था हैं जो ये दर्शाती हैं, एक अवस्था है जो नहीं दर्शाती है। बस क्वेश्चन मैंने बता दिया है, आंसर आपको बताना है। चलिए, आपने सोच लिया होगा आंसर, आपने सोच लिया होगा। चलिए, मैं इसका सही आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, ये कथन बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल काट देनी चाहिए, आप समझ गए होंगे। चलिए, प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कीजिएगा दोस्तों साइंस की, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। अब बताइएगा कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है और आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया इस बार। चलिए, बहुत लोगों ने बता दिया होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अच्छा, अब यह बताइएगा कि परमाणु क्रमांक 17 किस तत्व का होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आवर्त 3रा है और समूह 17 है। ठीक है, चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, डैश के अनुपात जो डैश के समानुपाती होती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती नहीं, सॉरी, समानुपाती होती है। बताइए क्या है ये और किसका नियम है ये। न्यूटन का नियम लग रहा है मुझे, बिल्कुल लग रहा है न्यूटन का नियम है, और ये उनके द्रव्यमानों के गुणन के समानुपाती होती है।
M1 M2 आपने सुना होगा, वही है ये, दो पिंडों के बीच में लगने वाले बल। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों ये पार्ट 4 है, पार्ट 3 इससे पहले मैं बना चुका हूँ। आपको अगर लिंक नहीं मिलता है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट आपको पता होगा, मेरे चैनल को ओपन करेंगे, पहले होम का निशान होगा, दूसरे नंबर पे वीडियोस आती हैं और तीसरे नंबर पे प्लेलिस्ट आती है। प्लेलिस्ट पर ओके करेंगे तो साइंस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, 3 पार्ट्स आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि इसका क्या हो सकता है। नीचे दिए गए आईयूपीएससी नाम का चयन करना है कि कौन सा गलत है इसमें से, उसका चयन करना है जो अलग है, यानी कि गलत पूछा है। सिंपल सा एल्केन, एल्काइन और एल्किन, आप फॉर्मूला पता होगा, एल्केन का फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, C2H2+2 होता है एल्केन का, ठीक है, सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए एक बार और लिख देता हूँ, C2H2+2 एल्केन हो गया ये हमारा, चलिए एल्केन हो गया। एल्काइन, एल्काइन का होता है C2H2-2, एल्काइन हो गया, -2 लगेगा, और एल्किन, एल्किन का सिंपल होता है C2H2 होगा, ठीक है। चलो एल्किन का तीनों बता दिए मैंने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C3H5OH प्रोपोनॉल नहीं होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको सही करने की ट्रिक क्या थी, वैसे अगर मैं ट्रिक बताऊं तो देखिए ये इससे दुगना है ना, ऐसे 4 है सी, कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 9 है, इससे दुगने से एक ज़्यादा होगा तो सही होगा। देखिए ये भी दुगने से एक ज़्यादा है, ये भी दुगने से, ये दुगने से एक कम है, यानी कि एक ज़्यादा नहीं है तो ऑप्शन नंबर कट जाता, और ये देखिए दुगने से एक ज़्यादा है, बिल्कुल आप ऐसे भी पकड़ सकते थे। ये ट्रिक है, वैसे जेन्युइन नहीं बता रहा हूँ मैं, ये ट्रिक है जो स्टूडेंट्स की, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो इस ट्रिक से कर सकते हैं। चलिए बताइएगा कि भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी डैश है, उड़न लोमड़ी डैश है। दोस्तों ये कहीं से कहीं तक मुझे बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं लग रहा है, फिर भी कॉपरेट कीजिएगा, आप बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का सही आंसर, इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक चमगादड़ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था। बताइएगा कि 11 ओम प्रतिरोध वाली एक तार को दोगुना कर दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध की गणना करनी है, नए प्रतिरोध की गणना करनी है, बताइएगा। आप इधर मत देखिएगा, ये आंसर लिखा है, ये स्टूडेंट्स के आंसर होते हैं, कभी मैं क्रूप करना भूल जाता हूँ, तो आप ये ऑप्शन मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स गलत भी आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2.57। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, सॉल्व कैसे करोगे, कभी भी अगर तार दुगना हो रहा हो और नई तार की प्रतिरोध की गणना करनी हो, जितना भी ओम दिया है उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड लगाओगे तो ये आंसर आ जाएगा हमको 2.57। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे, बखूबी समझ गए होंगे, क्यों ज़्यादा टफ नहीं है तो समझ तो गए ही होंगे, आप लोग बहुत होशियार हैं। चलिए बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। डैश उत्तक न्यूरॉन से बना होता है और आवेग प्राप्त करता है और संचालन करता है, बताइए। चलिए आपने सोच लिया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, नर्वस, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, नर्वस उत्तक होता है एक। चलिए इस क्वेश्चन का बताइएगा कि सही आंसर क्या हो सकता है, सभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे और आंसर भी मिल गया होगा आपको। चलिए मैं भी पढ़ लेता हूँ और आपको आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश, बताइए डैश क्या होता है मुक्त रूप से। तो सिंपल सी बात है, जब मुक्त रूप से कोई वस्तु गिरेगी तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, गति ऊर्जा में 100% वृद्धि होगी। चलिए अगला बताइए कि अगला क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपाई है, अंडे देने वाला स्तनपाई है, सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन को, जो लोग विदाउट आर्ट से होंगे उन लोगों का अगर जी के अच्छा होगा तो बता लेंगे। चलिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का, कंगारू बिल्कुल मत लगाइएगा, प्लेटीपस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि इस जो संकेत दिया है इसका प्रयोग विद्युत सर्किट में किसके लिए किया जाता है, बताइए। चलिए जो लोग फिजिक्स पढ़ के आए होंगे वो आसानी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, 8 वालों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन कोई नहीं, मैं बताऊंगा आपको आंसर क्या है इसका, सही इसका आंसर सही हो जाएगा रियोस्टेट, रियोस्टेट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश के अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित किया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी का पूछा है, बताइए तत्वों को कैसे रखा गया है।
चलिए, आप सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, 9th और 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। परमाणु क्रमांक लगाइएगा दोस्तों, द्रव्यमान बिल्कुल भी मत लगाइएगा। अगर मेंडलीफ आता है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी पूछी जाती है, तो द्रव्यमान लगाइएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 63 तत्व थे दोस्तों, और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं वो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बना है तो इस बार ऐसे बन सकता है, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। चलिए चलिए बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऊपरी प्रोधक और भार डैश के प्रयुक्त होते हैं, बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने सभी ने बता लिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का बताइएगा क्या होगा सही आंसर। 5 जगत प्रणाली वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था, सबको पता है, पोषण के आधार पर बांटी गई थी ये। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, सभी ने पोषण बताया होगा, बिल्कुल सही है। और बताइएगा कि अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तंत्रिका आवेग की प्राकृतिक होती है, तंत्रिका आवेग की प्राकृति पूछी गई है आपसे, तो इसकी प्राकृति होती है विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक प्राकृति होती है। आई होप आपने सही आंसर बताया होगा। चलिए अब बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। चाल तरंग, आयाम तरंग, दैर्ध्य और आवृत्ति, सभी को क्या कहा जाता है, यह सभी क्या हैं, बताइएगा ये सभी क्या हैं। तो ये सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर आप बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तरंग की विशेषताएं हैं ये सभी। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, एक शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे साइंस के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। चलिए जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं, जो मैथमेटिक्स से है। अगर दो दो लीप वर्षों का अंतर एक्स है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर दो लीप वर्षों का अंतर एक्स है तो एक्स का मान क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं पता होगा तो कल मैं आपको इसी वीडियो, कल की वीडियो में बताऊँगा, साइंस की, कल की साइंस की वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिएगा, आई होप आपने सुन लिया होगा, बैक कर लीजिएगा, मैं बोलूँगा इसे अच्छा, बैक करके रिवाइज करके सुन लोगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिसने नहीं किया है, और नोटिफिकेशन बेल को आइकन ऑन कर लीजिएगा, और प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, और बाय बाय, टेक केयर।